सीनियल पाणा स्टोर में रावी सुनाएगी जल्द ही बड़ी खुशखबरी। दरअसल देखने को मिल रहा है कि घर में अब धरा की बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है और अब IVF के लिए भी इतना पैसा नहीं होने वाला, जिसके बाद देखने को मिलेगा कि यहाँ पर दूसरी तरफ रावी ही अब इसकी खुशियों को वापस लौटाते नजर आएगी क्योंकि अनीता की वजह से बर्बादी हुई है। तो रावी ठान लेती है कि वो अपना बेबी धरा को देगी और देखने को मिलेगा कि उसे अपनी गलती का एहसास भी होगा जब शिवा उसे बचा कर लेकर आएगा। शिवा बहुत बुरी तरह से रावी पर भड़कने वाला है अनीता के साथ देने के लिए और उसे लगेगा कि कहीं ना कहीं रावी उससे मिली हुई थी। लेकिन जब सुमन यहाँ पर साबित करती है और बता देती है कि नहीं, अनीता ने यह सब कुछ कबाड़ा किया है कामिनी बुआ के साथ मिलकर और रावी को भी फंसाने की कोशिश की, जिसके बाद यहाँ पर रावी भी बताते नजर आएगी और कहेगी कि हाँ मेरी कोई गलती नहीं है और मैं उनके साथ शामिल नहीं थी, मुझे भी ट्रैप किया गया है। जिसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा कि वो शिवा से माफ़ी मांगते भी नजर आएगी और फिर से अपने प्यार का इजहार करते नजर आएगी और उसके मनाने के लिए फिर से उसे सरप्राइज देगी और जल्द ही घर में बड़ी खुशखबरी आने वाली है। और यहाँ पर रावी फैसला करेगी कि वो ये बच्चा धरा को देगी, जिसके बाद वो शिवा का दिल और भी जीत लेती है और घर वालों का भी। तो अब रावी और शिवा ही अपना बच्चा धरा को देने वाला है, जिसके बाद धरा की ये हालत जो हुई है मेंटली जो ट्रॉमा उसे परेशान कर रहा है वो उसे अब वो ठीक होने लगेगी जब वो रावी की गुड न्यूज़ सुनेगी। जल्दी ही घर में खुशखबरी हमें सुनाई देने वाली है।